ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आज मुझे मुरादाबाद में इस ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 14 फरवरी को मुरादाबाद में भी मतदान होना है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ये 5 वर्ष आपके सामने हैं। 2012 से 17 के बीच में आपने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भी देखा है। दंगे, भ्रष्टाचार, बेटियों पर जिस प्रकार के मानवीय अत्याचार होते थे, सांप्रदायिकता से जुलसवा मुजफ्फरनगर हो या फिर आपका मुरादाबाद, लगातार जिस अराजकता का शिकार क्षेत्र होता था, पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा। प्रदेश वही, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदली हुई स्थिति आपको देखने को मिलती होगी। 5 वर्ष में जहां उससे पहले के 5 वर्ष में 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 700 से अधिक दंगे होते हैं, वहीं 2017 से 22 के बीच में आज तक एक भी दंगा न होना, ये उत्तर प्रदेश की इस नई तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। बेटियां स्कूल जा रही हैं, आज कोई उन्हें छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल प्रदेश के अंदर मिला है। इससे पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, सहोदय बेटियों को छेड़ते थे, व्यापारी बाजार सूर्य अस्त होने के साथ ही घर भागने की तैयारी करता था। अराजकता का जो तांडव होता था, ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ने भी झेला है, संभल ने भी झेला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव व्यक्त होना, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाना, अब तो कर्फ्यू लगने की बात तो बहुत दूर, दंगे की बात तो बहुत दूर हो चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, कोरोना भी आपके यहां कर्फ्यू नहीं लगने देता है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा पे हम विश्वास भी करते हैं। अब कर्फ्यू नहीं, अब मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। पहले अपराधी बम फेंकते थे, और आज तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम के साथ अपनी कांवड़ यात्रा निकालता है। किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं इस कांवड़ यात्रा को रोक सके। भाइयों बहनों, अगर 2019 में भी यहां से सांसद कुंवर सर्वेश सिंह बने होते, तो ये सकीपुल रहमान बर्क और टीएन हसन की हिम्मत नहीं थी, ये लोग तालिबान का समर्थन कर पाते। तालिबान का समर्थन ये लोग कर रहे हैं, आधी आबादी को अपमानित कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन लोगों के दुस्साहस को कहीं न कहीं से हवा मिलती है। लेकिन चिंता मत करिए, जैसे अपराधी 2017 के पहले बेखौफ थे और बेखौफ होने करके वे लोग इस पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलाने का कार्य करते थे, 2017 के बाद
यही अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके आते हैं, कहते हैं जान बकस दीजिए, अब हम अपराध नहीं करेंगे। यही अपराधी हैं, पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते थे, आज जान की भीख मांग रहे हैं। यही अपराधी थे जो गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, आज जेलों के अंदर इनको फूस करके इनको इनका सबक सिखाया जा रहा है और इनकी अवैध और अनैतिक संपत्ति को जब्त करके गरीबों के मकान बनाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2017 के पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, अराजकता चरम पर थी। 2017 के बाद कर्फ्यू नहीं, आज शानदार तरीके से आपकी आस्था का सम्मान होकर के कांवड़ यात्रा को निकालने का कार्य सरकार कर रही है और कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा भी करती है। आज किसी की हिम्मत नहीं कि किसी बेटी को छेड़ सके, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाने का दुस्साहस कर सके। आज हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 2017 के पहले 5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अठारह हजार गरीबों को भी मकान नहीं दिए। भाइयों बहनों, 17 से लेकर के 21 के बीच आज जब हमारी सरकार 5 साल अपना पूरा करने जा रही है, 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 43,50,000 लोगों को, 2,61,00,000 गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए, 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, और पहले डार्क जोन के नाम पर किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जाते थे। जब ट्यूबवेल के ही कनेक्शन नहीं होते थे तो लोग दल के हैंडपंप पे भी पानी कहां से आता, वो भी सूखा हुआ था। आपने चौधरी अजीत सिंह जी की बात को सुना होगा, थोड़ा सुनिए उस वीडियो को लेकर के, जिसमें चौधरी अजीत सिंह कह रहे हैं जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई कुख्यात गुंडा। ये चौधरी अजीत सिंह कहते थे, और आज उनके लाडले उसी सपा के झंडे में ऐसे लिपट करके चल रहे हैं जैसे कि अब आजम खां का स्थान वही ले लेंगे। लेकिन ये मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल जाते हैं, कोसी कला के दंगों को भूल जाते हैं, मुरादाबाद और बिजनौर के सांप्रदायिक तनाव को भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने केवल लूटा है, गरीबों का छीना है। कोरोना कालखंड में सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, आपने तो सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया। यानी मैं मान करके चलूं कि 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं, यानी ये 100% वोट पक्का, क्योंकि जो लोग विरोध करते थे इस वैक्सीन का, करते थे ना, कहते थे वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लेंगे। आज आप उनको बताएंगे ना कि हम मोदी वैक्सीन से ही कोरोना से लड़ रहे हैं। जब वैक्सीन मोदी है, भाजपा का वैक्सीन है, तो फिर जब ये जान बचा रहा है तो हम वोट भी इसी को देंगे, ठीक है ना? ठीक बात है, संकल्प ले लिया है। भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी, शेष तो अवसरवादी है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सब अवसरवादी हैं, कभी संकट में नहीं आने वाले, खड़े नहीं होने वाले हैं। आखिर हम विकास कार्य करा रहे हैं,
आपके मुरादाबाद के बगल में ही कुंवर सर्वेश सिंह कह रहे थे। मैंने कहा भी देखो विधानसभा का चुनाव आप यहां पर जितवाइए और इनके लिए हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, फिल्मों में आप काम करिए थोड़ा। भाइयों बहनों फिल्म सिटी आपके यहीं पे बना रहे हैं हम लोग बगल में यमुना अथॉरिटी में गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं जेवर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मुरादाबाद में तो हम एयरपोर्ट बना ही रहे हैं, जेवर में भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे लेकर के चल रहे हैं यहां से सीधे प्रयागराज के लिए। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। सपा के लोग तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे, गरीबों को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे, हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। या तोप बनेगी और तोप जब भारत की सीमा पर मुरादाबाद का नौजवान लेकर के जाएगा और गड़गड़ाएगा पाकिस्तान के छक्के उस तोप के देखने से ही छूट जाएंगे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों इन सबसे ऊपर उठते हुए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। इनकी सरकार के समय गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, इनकी सरकार के समय गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे, और फ्री वैक्सीन के बाद डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन भी मिलना होगा ना। पहले ये सड़क का, एयरपोर्ट का, फिल्म सिटी का और मुरादाबाद को तो पीतल उद्योग के रूप में हम लोगों ने दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत कर दिया है। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं जो अपने बेटी की शादी में मुरादाबाद में बने हुए पीतल के बर्तन दान न देता रहा हो। लेकिन इस सपा बसपा कांग्रेस ने ऐसा बना दिया था कि एक समय लगा कि पीतल के बर्तन अब कम ही मिलेंगे, लेकिन फिर से पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद देश और दुनिया के सामने फिर से अपनी एक नई चमक के साथ, एक नई आभा के साथ जगमगा रही है। ये तो कार्य पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। सरकार तो वही है, पार्टी बदली थी, चेहरे बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले थे, वे काम नहीं कर पाते थे, हमने काम करके दिखा दिया। उनके समय में दंगे होते थे, लूट खसोट होती थी, राहचली होती थी, छिनैती होती थी, डकैती पड़ती थी, आज ये सब बंद है। उनके समय में गरीब का पैसा लूट लिया जाता था, कहां जाता था बताओ, उनका पैसा कहां जाता था? उनका पैसा जाता था इत्र वाले मित्र के घर में। और इसीलिए तो हम इत्र वाले मित्र के लिए ही बुलडोजर लेकर के आए हैं। आज सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखते होंगे ना, प्रदेश में माफिया राज लाने वाले और गरीबों को लूटने वालों के घर पर ही आज बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर चलना चाहिए ना, बुलडोजर की यात्रा नर्मद आगे बढ़नी चाहिए ना। इसके लिए भाइयों बहनों अजय प्रताप सिंह को यहां से चुनाव जीतना आवश्यक होगा। सभी लोग सहमत हैं? देखो कुंवर सर्वेश सिंह का तो पूरा आशीर्वाद है उनको, वे आज आए हैं यहां पर पूरा इसीलिए, और पूरी ताकत के साथ वे आपके साथ लगेंगे। सभी लोग मिलकर के अजय प्रताप सिंह को ठाकुर द्वारा से, राजेश कुमार चुन्नू को कांत से, कृष्णकांत मिश्र को मुरादाबाद ग्रामीण से, रितेश गुप्ता को मुरादाबाद नगर से, कमल प्रजापति को कुंदरकी से, परमेश्वर लाल सैनी को बिलारी से,
कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सब काम करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ, दोनों लोग सहमत हैं? मंच पर आज रंजना सैनी, वीर सिंह सैनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है, इन सब का स्वागत है। आप सब अजय प्रताप सिंह के पक्ष में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।